Hello students, how are you? As all of us know that we are going through a very bad phase of our life. देखिए केवल हम हमारा देश नहीं पूरी दुनिया इस टाइम एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है एंड आई होप सो कि आप घरों पर ही हैं, यू आर स्टेइंग एट होम और वट एवर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस आर गिवन बाय द गवर्नमेंट you are strictly and carefully following them because it is the only way that we can save our lives and the lives of other people. It's very obvious at this time that ki har koi insaan is time कोई कम कोई ज़्यादा ठीक है. वी ऑल आर स्ट्रेस एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अब बोर्ड में अपेयर होने वाले हैं इस साल, उनकी चिंता थोड़ी और ज़्यादा होगी कि हमारी जो स्टडीज़ हैं उनका क्या होगा और हम किस तरह से अपनी पढ़ाई जो है वो प्रॉपरली जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी रह जाए. सो ऑन दैट नोट बट आई कैन अश्योर यू दैट आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपका जो स्टडीज़ है उसमें लॉस जो है आपका कम से कम हो और हमारी स्टडीज़ जो है उसी तरह से रेगुलर वे में जो है हम उनको परफॉर्म कर सकें. रेगुलर वे में बेटा आपको अब फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो है लेक्चर्स बेस्ड ऑन योर चैप्टर्स एंड बेस्ड ऑन द करंट सिलेबस द लेटेस्ट सिलेबस वो मैं अपलोड करता रहूँगा. आपके जितने भी डाउट हैं आई कैन इंश्योर यू दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन. यू कैन सेंड मी योर डाउट्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. I will definitely return back. You can mail me, you can write down in comments. We have lots of ways, right? The thing is that ke beta abhi hame stress nahi hona hai, abhi humne bahut hi patience se kaam karna hai aur agar hum sab milkar is time efforts karein to beta there is no doubt about that ke hum bahut jaldi is situation mein as a winner jo hai hum बाहर आ जाएंगे, राइट. सो बेटा प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट जो लेक्चर्स और जो वीडियोज मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम से उनका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड यू कैन गो थ्रू इट, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट्स चलिए आपका जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको सबसे पहले हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है दैट मींस फिजिक्स फॉर क्लास टू, राइट. उसका जो सिलेबस जो आपको प्रोवाइड किया गया है बाय द सीबीएसई बोर्ड, राइट, थ्रू द एनसीईआरटी, ठीक है, कि वो सिलेबस उसकी आउटलाइन क्या है, हमने उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हमारे पास कितने हैं, उन चैप्टर्स को किस तरह से यूनिट्स में जो है हमने डिवाइड किया है, राइट. तो बेटा ये जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज द लेटेस्ट वन, राइट. और ये जो सिलेबस है इट इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी हैव इन लास्ट ईयर, राइट. सो टोटल चैप्टर्स जो हमारे पास यहाँ पर हैं वो हैं 14 और उनको हमने 9 यूनिट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है, राइट. टोटल मार्क्स की अगर हम यहीं पर बात करें तो टोटल मार्क्स जो आपके पेपर के लिए अलॉटेड हैं वो हैं 100 और उन 100 मार्क्स को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. एक आपका थ्योरी का पेपर होगा जिसको 70 मार्क्स जो है वो अलॉटेड हैं और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, राइट. उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि प्रैक्टिकल्स में ये जो 30 मार्क्स है इनका बाइफर्केशन क्या है, किस किस चीज के लिए कितने मार्क्स जो है वहां पर
Okay, students, this is the syllabus in front of you, and this is the latest one that have been uploaded by the Cbse board for the session 2020-21, right? Or yahan par, as I have already told you, that we have 9 units and 14 chapters. So in chapters ko humne kis tarah se accommodate kiya hai in units mein, aur एक के बाद एक इन चैप्टर्स को यूनिट्स से अब हम गो थ्रू होंगे. और यहाँ पर देखिए, जो बात मैं आपको बता रहा था कि एक टेंटेटिव आइडिया हमें दिया होता है बोर्ड की तरफ से कि किस यूनिट्स में से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं टेंटेटिवली आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, राइट? स्टैटिक्स की, और इसमें दो चैप्टर इंक्लूड हैं. चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, and chapter number 2 that is electrostatic potential and capacitance, right? So according to this verification, jo total number jo allotted hai, dekhiye jo total number allotted hai wo yahan par likhe hain ki supposed to be ki ye jo units hain in units mein se kitne number ke questions jo hain aapse puche ja sakte hain aapke final examination mein jo theory ka aapka paper hoga assignment number ka, right? सो यूनिट नंबर 2 जो है यहाँ पर उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो यूनिट नंबर 2 में केवल एक ही चैप्टर है, और यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को दोनों को कंबाइंडली जो है 16 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, राइट? सो इट इज यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 इज द इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट वी हैव टू कवर्ड by the point of view of your board examination and by the point of view of competition also, right? So chaliye abhi to hum ye dekh rahe hain. Now on the later part I will tell you ke jo abhi current jo aapka examination hua tha physics ka plus 2 ka, right? तो उसमें से एग्जैक्टली ये जो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को दोनों को मिला के एग्जैक्टली कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, राइट? तो बेटा, जो यहां पर जो आपको मार्क्स अलॉटेड दिए होते हैं, ये देखिए, ये जो सिलेबस जो है, ये सिलेबस आपका साइट पर अवेलेबल है, cbse.nic.in पर. आई हैव डाउनलोडेड दिस फ्रॉम देयर. तो बेटा, यहां पर ये जो मार्क्स अलॉटेड होते हैं, ये हमेशा एक एक टेंटेटिव एक आइडिया केवल होता है. कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि आप जो बोर्ड है आपसे ये जो इसका वेटेज है वो कम या ज्यादा नहीं कर सकता, राइट? और जो मेरा एनालिसिस है पिछला जो आपका भी पेपर जो हुआ है, जो करंट आपका पेपर हुआ है, और जो कुछ पिछले और भी आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, तो ये बात हमेशा देखने में आई है कि एग्जैक्ट ये मार्किंग जो है फॉलो नहीं की जाती है, राइट? इसमें अप एंड डाउन पॉसिबल है. तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस बेटा आप मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, और वो वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है. इस लेक्चर के एंड में, इस सेशन के एंड में भी मैं उन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और आप उन लिंक से उन लेक्चर्स को, उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो आपके जो पेपर जो अब बन रहे हैं, राइट, उनका उनकी टेंडेंसी जो है वो कैसी है, किन यूनिट्स में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो उनमें मैंने बहुत डिटेल में, बहुत सब कुछ जो है बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया है विद प्रूफ. तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, राइट? देन यूनिट नंबर 3, इस यूनिट नंबर 3 में बेटा अगेन वी हैव टू चैप्टर्स, और यूनिट नंबर 3 का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसमें चैप्टर नंबर 4 है दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एंड चैप्टर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर. बेटा, अगर ब्रॉडली थोड़ा सा हम इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो आपका 10th का जो सिलेबस था, राइट, ये जो 12th का जो आपका सिलेबस है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ दैट थिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि वहां पर जहां बात खत्म हुई थी अब 12th में वहां से बात शुरू होनी है. इट्स देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट? वहां पर हमने चीजें बहुत ही बेसिक फॉर्म्स में जो है वो पढ़ी थी. बहुत ही सर्फिशियल सी एक नॉलेज वहां पर हमने अचीव की थी. कुछ भी मैथमेटिकल मॉडलेशन वहां पर नहीं था. तो देखिए, जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट,
या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब हमने 10th में पढ़ा है, लेकिन सुपरफिशियली बिल्कुल एक सतही तौर पे उन चीजों को हमने पढ़ा है। यहां पर अब आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है, दैट इज द डिफरेंस, राइट? सो चैप्टर 4 दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहीं पर यूनिट 5 अगर हम देख लें, सो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। तो इसका भी इंट्रोडक्शन आपको क्लास 10th में दिया गया है, राइट? तो अगेन यूनिट नंबर 4 में वी हैव टू चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड चैप्टर नंबर 7 इज इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट, राइट? सो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को जो टोटल अलॉटेड मार्क्स यहां पर हैं, दैट इज स्टैंडर्ड 1 एंड दैट इज 17 मार्क्स, राइट? तो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट मींस मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, एंड दीज आर सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, राइट? एंड द यूनिट नंबर 5 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इट इज चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? यहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझेंगे, राइट? सो एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू के जो आपका 11th का जो सिलेबस है, इन दैट पर्टिकुलर सिलेबस जो आपका लास्ट चैप्टर रहा था, वहां पर हमने वी हैव डिस्कस्ड द मैकेनिकल वेव्स, राइट? और वहां पर जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो भी अंडरस्टैंडिंग हमने वहां पर बनाई है बेटा, वो अब पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारा बेस बनेगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, जहां से हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसके ऊपर स्टैब्लिश करके उनको समझेंगे, राइट? बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं जो सेम हैं, और कुछ नई इंफॉर्मेशन यहाँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग जो है मिलने वाली है, राइट? बेटा एज यू नो कि 11th में भी अगर मैं आपकी टेक्स्ट बुक की बात करूँ, तो एनसीईआरटी में हमारे पास टेक्स्ट बुक के 2 वॉल्यूम थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट? तो यहाँ तक अगर मैं यूनिट नंबर 5 तक की बात करूँ, सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन योर वॉल्यूम 1 ऑफ योर क्लास 2 एनसीईआरटी फिजिक्स टेक्स्ट बुक, राइट? तो चलिए यहाँ पर अभी हम यूनिट नंबर 6 की तरफ देखते हैं। इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम हियर, एंड इट विल स्टार्ट इन वॉल्यूम 2 बेसिकली एनसीईआरटी, राइट? सो यहाँ पर बेटा एक ऑप्टिक्स का सेक्शन है, दैट इज यूनिट नंबर 6 बेसिकली, राइट? और इसमें अगेन वी हैव टू चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट? सो बेटा इन 10th अगर आपको याद है, सो वी हैव कवर्ड ऑप्टिक्स देयर आल्सो, राइट? और 10th में जो हमारे को जो बेसिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जो बेसिक डिस्कशन हमने किया था, वी हैव बेसिकली डिस्कस द रे ऑप्टिक्स देयर, राइट? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एज सच इज एडिशन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और हमारे पास यहाँ पर माइक्रोस्कोप हैं, टेलीस्कोप्स हैं, ठीक है? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग दैट वी हैव टू डिस्कवर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो इन चैप्टर नंबर 10 दिस इज कंप्लीटली न्यू टू मी फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज वेव ऑप्टिक्स के बारे में हमने चीजें बिल्कुल डिस्कस नहीं की है प्लस 10 में, 10th में, राइट? और यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स जो है चैप्टर नंबर 10, यहाँ से एक बहुत अच्छा आपका बेस जो है वो बनना शुरू होगा, राइट? सो बेटा यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, इन दोनों को मिला के 18 मार्क्स जो है वो अलॉटेड है, राइट? चलिए द नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 7, एंड इट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर वी हैव हियर, और बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, राइट? वी आर गोइंग टू डिस्कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और इस पर्टिकुलर यूनिट में एक ही चैप्टर है आपका, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, राइट? ओके, सो यूनिट नंबर 8, राइट? यूनिट नंबर 8 में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। चैप्टर 12 दैट इज एटम, एंड चैप्टर नंबर 13 दैट इज न्यूक्लियाई। सो इन केमिस्ट्री वी हैव डिस्कस दीज 2 चैप्टर बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, एंड इन फिजिक्स वी विल डिस्कस दीज 2 चैप्टर बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। सो देर इज अ डिफरेंस, राइट? अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूँ, एज यू हैव डिस्कस हीट, हीट इज अगेन अ कॉमन चैप्टर, ठीक है, दैट वी हैव
common in chemistry and the physics in 11th class, right? So वहाँ पर जो हम देख रहे थे कि जब हम heat पढ़ रहे हैं chemistry में, so we are discussing the things from the point of view of chemistry, but when we have discussed the same things and same concepts in physics, then obviously the point of view is different, right? So देखिए ये जो आपकी unit number 7 और यूनिट नंबर जो 8 है, इसको टोटल जो है 12 मार्क्स अलोटेड है, राइट? और देन द लास्ट यूनिट, दैट यूनिट नंबर 9, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड यहां पर ये चैप्टर नंबर 14 आपका है, राइट? और इसमें जो है बेसिकली इंक्लूड किया गया है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. So basic जो है आपके semiconductor materials, devices and simple circuits, some we have some filter circuits और कुछ और basic devices हैं, जैसे हमारे photocells हैं, LEDs. तो यहाँ पर बहुत ही basic एक semiconductor physics जो है, basic सा उसका जो है हमें यहाँ पर introduction मिलेगा. उनको हम समझेंगे semiconductors क्या होते हैं और उनकी किस तरह से हम devices बनाते हैं और उनकी क्या application है. तो बेटा ये जो आपकी unit 9 है, इसको 7 मार्क्स जो हैं वो अलॉटेड है, राइट? सो बेटा अगर अब हम थोड़ा कंपेयर करके देखें जो हमारा लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था फिजिक्स का, राइट? तो उसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उनकी वेटेज जो है अकॉर्डिंग टू, देखिए जो यहाँ पर मार्क्स जो हैं अलॉटेड किए गए हैं, लेकिन जो थोड़ा मुझे चेंज लगा है इस बार, that is particularly in unit 3, basically unit 3 से questions जो हैं, यानी कि जो magnetism वाला आपका part है, magnetic effect of current and magnetism वाला, यहाँ से questions जो हैं वो आपसे कुछ as usual से ज़्यादा पूछे गए हैं, इसकी weightage कुछ ज़्यादा रखी गई है, right? और दूसरा जो सबसे बड़ा change जो I have feel, that is in the section of optics and it is basically in unit 6, or unit 6 may be a particular chapter hai, chapter number 9, that is ray optics and the optical instruments. Is se kuch jyada questions jo hai wo puche gaye hai. Aur aapka jo unit number 8 hai, again I have feel that ke unit number 8 mein se, that means atom and nucleus mein se, as usual से ज़्यादा कुछ वेरिएंस की रखी गई है, कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा इससे पूछे गए हैं, right? और डिटेल में इस एनालिसिस को समझने के लिए, as I have earlier said, you can refer my previous lecture, that is I have made a complete series on that basically, right? And that is review of physics examination paper 2020, so you can refer to that, okay?